नमस्कार दोस्तों। दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 15 गुना की लिस्ट को लेकर जो फिजिकल की जो लिस्ट आएगी कि किस किस को फिजिकल के लिए बुलाया जाने वाला है, तो उसको लेकर दोस्तों थोड़ी देर पहले की कुछ खबर निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है 15 गुना लिस्ट, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि हम फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे 12th लेवल सीटी में कम नंबर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो पोल करवाया था उस पोल के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ रहेगी 15 गुना की, ये कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिकल की तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है, तो कर लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपके 12th लेवल सीटी में जो मैं नंबर बता रहा हूं इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल का लिए बुलाया जाएगा, और आपके एडमिट कार्ड है वो भी आने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चा एक बार फिजिकल पास हो जाएगा, यूं मान लेना वो सिलेक्शन भी लेके जाने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार सिलेक्शन लेना आसान है। मैंने पोल करवाया था दोस्तों, बच्चों से पूछा था कि क्या आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे, तो दोस्तों पोल के आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं दोस्तों, कितने परसेंट ऐसे हैं जो अभी तक दौड़ ही नहीं कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो दोस्तों बाहर होने वाले, तो उस मुद्दे पे हम बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा अब जो आपके पास समय बचा है, इस कम समय के अंदर आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, 5 किलोमीटर दौड़ा वो कैसे करनी चाहिए, तो सभी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान पुलिस की जो फिजिकल है वो आपके 26 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपके फिजिकल है वो होने वाले हैं। तो मैंने आपको फिजिकल है वो बता दिया है। फिजिकल के लिए अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मोटे मोटे अंदाजा हम लगाएं तो 15 से 16 दिन का समय बचा है भाई। इसमें आप मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन है वो ले जाओगे, नहीं पछताने वाले हो। तो फिजिकल कितनी तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं ये मैंने आपको बता दी। दूसरे नंबर पे एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड है दोस्तों वो आपके 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को साइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। और जैसे ही दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आएंगे सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी, मैं इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरे नंबर पे दोस्तों सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि 15 गुना की लिस्ट कब आएगी। यदि 15 गुना की लिस्ट आ जाए तो हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपके दोस्तों 7 दिन पहले आएंगे, लेकिन आपकी जो 15 गुना की लिस्ट है वो कब आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपकी जो 15 गुना की लिस्ट है वो आपकी 15 या 16 तारीख को साइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। क्या 15 गुना की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, डायरेक्ट एडमिट कार्ड तो नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चांस दोस्तों पूरे पूरे नजर आ रहे हैं कि आपकी 15 गुना की लिस्ट आएगी, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि आप 15 गुना में शामिल हुए हो या नहीं हुए। यह आपकी लिस्ट है दोस्तों 15 या 16 अक्टूबर को साइट के ऊपर डाल दी जाएगी। इसके बाद में आपके एडमिट कार्ड है वो दोस्तों 18 अक्टूबर को अपलोड है वो कर दिए जाएंगे। तो वापस बोल देता हूं, 15 गुना की लिस्ट आपकी आएगी, यदि दोस्तों नहीं आएगी तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि हम 15 गुना में शामिल भी हुए नहीं हुए, तो डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। तो आपकी हर जिले की दोस्तों जितने भी बच्चे हो फिजिकल के लिए बुलाएंगे उनकी लिस्ट है वो आने वाली है। जैसे लिस्ट आएगी दोस्तों मैं वीडियो बना दूंगा। तो 15 गुना की लिस्ट को लेकर भी मैंने डाउट है वो क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, वो डाउट यही आ रहा है कि किस किस का एडमिट कार्ड आएगा, किस किस को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दोस्तों मैं आपका डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों मैंने एक पोल करवाया था, उस पोल के नतीजे आप खुद देख सकते हो। मैंने बच्चों से पूछा था क्या आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे, तो आप खुद दोस्तों देख सकते हो 45 से 48% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है, वो बोल रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों 7 दिन के अंदर आपकी तैयारी नहीं होगी, लिख के ले लो दोस्तों। जो पहली बार दौड़ करेगा ना उस पे 7 दिन के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ है वो 24 मिनट में नहीं होगी, तो वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आप खुद लगा सकते हो कितने कम बच्चे हैं दोस्तों जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप फिजिकल पास हो जाते हो तो अब की बार सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, क्यों है? क्योंकि इतने बच्चे हैं जो दौड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और जिनके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं ना वो भी दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो अब की बार दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है। अब मैं आपको बता दूं किस किस का एडमिट कार्ड है वो आ सकता है, किस किस को लिए फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, यदि आपके फीमेल कैटेगरी में तो सभी को दौड़ करनी है, फीमेल कैटेगरी में सभी को दौड़ करनी है, जिनके थोड़े बहुत नंबर भी बन रहे हैं ना, या आपने फॉर्म डाला है कोई से भी जिले से
फीमेल कैटेगरी में भाई सभी को दौड़ करनी है, नहीं बाद में आप पछताओगे फीमेल कैटेगरी में। तो दूसरी बात बता दूं, बॉयज जो मेल कैटेगरी है उनमें यदि आपके 140 150 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं ना, 140 150 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं, कोई से भी कैटेगरी से हो, कोई से भी जिले से फॉर्म भरा हो, यदि 140 145 नंबर बढ़ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी जारी रखो, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो वापस बोल रहा हूँ, इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी जारी रखो। यदि आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे और आपके एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप पे 5 से 7 दिन में दौड़ नहीं होगी, तो आप तो ऐसे दौड़ के अंदर बाहर हो जाएंगे। तो वापस बोल रहा हूँ, यदि इतने कम नंबर भी बन रहे हैं ना तो उनके भी चांस बढ़ रहे हैं कि आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा इसलिए कि ज़्यादा फॉर्म नहीं आए हैं, 272,000 टोटल फॉर्म आए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको पता होगा कितने से बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो अब की बार सिलेक्शन लेना बहुत आसान भी रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, आपने कौन से जिले से फॉर्म अप्लाई किया है और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे, इस पे दोस्तों मुझे कमेंट करके आप जरूर बता देना। इसके अलावा चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।